आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो हमें भोपाल से ही मिल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मुरैना और भांडेर के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभाएं की जाएगी, तो सीएम भांडेर के सालोन में सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सुमावली में भी सभा उनकी आज हो रही है। इधर नरेंद्र सिंह तोमर भी सीएम शिवराज के साथ मौजूद रहेंगे। तो आज मुरैना और भांडेर का दौरा, 28 विधानसभा को कवर करने की कोशिश बीजेपी के आला नेताओं द्वारा की जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि स्टार प्रचारक हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाए। तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील जनता से कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे वैभव जी का रुख करेंगे। वैभव जी, लगातार ताबड़तोड़ सभाएं, लगातार धुआंधार दौरे सीएम शिवराज सिंह चौहान के हो रहे हैं। रोज 24 घंटे के अंदर कई सभाएं वो कर रहे हैं, आज मुरैना और भांडेर के दौरे पर, लेकिन आज कौन सी बड़ी बातें मंच से निकलकर आ सकती हैं? जया, प्रत्येक सभा में मुख्यमंत्री बड़ी बातें कर रहे हैं, हालांकि घोषणाएं नहीं कर सकते, आचार संहिता लगी हुई है, लेकिन राजनीतिक दावपेच जो होते हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है, वो लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की स्थिरता 28 उपचुनाव जो हो रहे हैं उनके परिणाम तय करेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, हम भी ग्वालियर चंबल संभाग में पहुंचे थे, शिवपुरी भी गए थे, अशोकनगर, मुंगावली, इन सभी क्षेत्रों का दौरा करके आए हैं। और वहां पर भी हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान को लोग पसंद करते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो किसान हैं उनको मसीहा मान रहे हैं, और साथ ही कमलनाथ को लेकर भी एक बात सामने आएगी कि 2 लाख का कर्जा माफ़ करने की बात की थी, उन्होंने 2 लाख का कर्जा माफ़ नहीं किया। तो कुछ किसान ऐसे भी थे मुंगावली के जिन्होंने कहा कि किस कर्जा, हमने सोचा कि सरकार के द्वारा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, तो हमने कर्जा माफ़ नहीं किया, जिसके चलते अब हम डिफॉल्टर हो गए हैं। तो जो वादा हमसे किया गया था वो वादा पूरा क्यों नहीं किया गया? और 2018 के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी बताते हैं जया कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर जनता में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी। 100 से ज़्यादा सीटें जीती थी बीजेपी ने, स्पष्ट बहुमत ना तो कांग्रेस को मिला था ना बीजेपी को मिला था। जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, वो दूसरे दलों के समर्थन के बाद ही बनी थी। तो जनता में, हालांकि बीजेपी की ओर से जो टिकट वितरण था वो ठीक नहीं हो पाया था, जब चुनाव परिणाम की समीक्षा की गई थी उसमें बात को सामने आई थी कि शिवराज सिंह चौहान से लोगों में किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं थी, मुख्यमंत्री के रूप में वो बेहतर काम कर रहे थे। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो नेताओं को टिकट दिया गया था उनसे जनता की नाराजगी थी, इसलिए जनता ने बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। तो आज भांडेर के में भी जाने वाले हैं, इसके साथ ही सुमावली भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाने वाले हैं। जो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनका अच्छा खासा प्रभाव है। जया, करीबन 4 विधानसभा हैं, दिमनी, जोरा, सुमावली और मुरैना, वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, वहाँ पर विकास कार्य भी तेजी से किए जा रहे हैं। तो चुनाव के बाद क्या किया जाएगा, इसके बारे में ज़रूर बात चुनाव के बाद ही की जाएगी, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप है, 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो क्यों पूरे नहीं हो पाए, कौन कौन सी योजनाएं रुक गई थी, इसके बारे में जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बात करेंगे। बिल्कुल, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है वैभव जी के पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में तो प्रचार प्रसार किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस पर भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे मंच से जनता के सामने। मैं लौटूंगी आपके पास, वैभव जी बने रहिए।